यार मैं हूँ देखते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पूजा वाला लॉन्चर की सारी एकदम टॉप फुल गाइड में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मतलब सारी सेटिंग के साथ हम लोग पूजा वाला लॉन्चर में करने वाले हैं। इनका सर आप लोग बोल रहे हो मैं ऐसे तो यार गेम प्ले बनाता हूँ, लाइव करता हूँ और मतलब सब कुछ मैं गेम खेलता हूँ फिर ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाता हूँ। बट आज मैं ऐसी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, और अगर मैं एक जावा वाला प्लेयर हूँ मतलब रियल जावा वाला मैं एक पीसी प्लेयर हूँ तो मुझे मोबाइल में पूजा वाला लॉन्चर के ऊपर सेटिंग्स दिखाने की क्या जरूरत है। तो भाई ये वाला मैं गेम ये वाला वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आजकल काफ़ी देख रहा हूँ मेरी SMP में और भी बाकी सारी कई SMP में बहुत सारे बंदे आजकल पूजा वाला लॉन्चर यूज़ करने लग गए ताकि वो लोग जावा का एक्सपीरियंस अपने मोबाइल में दे पाए। तो मैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे आज ये वाला वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फुल सेटअप टू मतलब पूजा वाला लॉन्चर करके सारी एकदम सेटिंग्स आपको कैसे जमानी है। तो कैसे सेटिंग्स जमाने के लिए आपको चलाना है ऑप्शंस में, लेकिन अगर आप लोग एकदम प्रो लेवल की सेटिंग्स जाते हो तो आपको जो आपका जो FOV है उसको नॉर्मल से आपको कर लेना है हाई। मतलब जितना क्विक प्रो होता है ना मतलब आपको पूरा प्रो लेवल तक कर देना है। फिर आपको जाना है वीडियो सेटिंग्स में और बाकी ऊपर जो फुल रिजोल्यूशन आप लोगों को दिख रहा होगा फुल स्क्रीन रिजोल्यूशन उसको आपको वैसे ही रख देना है। बायोम ब्लेंड जो है वैसे ही रख देना है। बट हाँ अगर आप लोग एक वो प्लेयर हो मतलब कि आप एक लो एंड डिवाइस पे खेलते हो तो आप इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे कि बायोम ब्लेंड आप फास्टेस्ट कर सकते हो, फुल स्क्रीन रिजोल्यूशन को थोड़ा सा कम कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे एक हाई एंड प्लेयर हूँ तो मैं यहाँ पे इसको 5 पे रख दूंगा। आप चाहो तो 3 पे रख के इसको फास्ट कर सकते हो और अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो फास्टेस्ट हो जाएगा। तो मैं तो इसको रखने वाला हूँ 5 पे क्योंकि मैं इसको इतना झेल सकता हूँ। और इसके ग्राफिक्स से अगर आप लोग एक लो एंड डिवाइस वाले हो तो उसको मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग इसको फास्ट पे रखो। बाकी तो अगर आप एक मीडियम डिवाइस से खेलते हो तो आप इसको फैंसी रख सकते हो। बट हाँ अगर आप एक हाई डिवाइस वाले हो तो आप इसको फेब्यूलस कर सकते हो, तो मैं इसको फेब्यूलस पे रख दूंगा। ओके वेट, ये मैंने इसको कर दिया, इसको यहाँ पे फेब्यूलस कर दिया। एंड आपका चंक बिल्डर इसको आप यहाँ पे फुल्ली ब्लॉकिंग कर सकते हो। फुल्ली ब्लॉकिंग के बाद आपका जो गेम है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। और जो स्मूथ लाइटिंग है ये सर अगर आप अच्छे ग्राफिक्स चाहते हो तो आप इसको ऑन करना मत बोलना क्योंकि यार यही ग्राफिक्स के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, मतलब ग्राफिक्स यही सही दिखाता है। बाकी यहाँ अगर आप लोग रेंडर डिस्टेंस चाहते हो मतलब कि आपके सामने सब कुछ जो भी है जल्दी लोड हो जाए तो आप लोग इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। हाँ मैं तो अपने हिसाब से 8 रखने वाला हूँ क्योंकि 8 मेरे डिवाइस के ऊपर बहुत सही रहेगा। वैसे मैं अगर इसको मिक्स भी कर दूंगा तो चलेगा, बट यार 8 वाला थोड़ा ठीक है। एंड जो 12 है मैं इसको यहाँ पे 15 कर दूंगा, मतलब मैं मेरे हिसाब से बढ़ा रहा हूँ, आप लोग आपके डिवाइस के हिसाब से इसको कर सकते हो। बाकी आपका जो VSync है आपको उसको ऑन कर देना ऑफ रहेगा। एंड जो GUI स्केल उसको आप R2 पे कर सकते हो, 1 पे कर सकते हो, 2 पे कर सकते हो। ये देखो ये फुल स्क्रीन, ये फुल स्क्रीन ऑफ है ठीक है। अभी देखो GUI स्केल जो है हमारा वो है हमारा लेवल 1 पे, अभी मैंने इसको 2 पे कर दिया है तो 2 वाला ज़्यादा सही लगता है मुझे तो। बाकी जो ब्राइटनेस है इसकी आप इसको फुल कर सकते हो लाइक, क्योंकि फुल ब्राइटनेस में खेलने का ज़्यादा मजा आता है तो मैं इसको फुल रखने वाला हूँ। आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको फुल रखो। बाकी यहाँ मिप में फ्लेवर्स का तो मुझे भी नहीं पता क्या काम है, बट हाँ फिर भी इसको एक लेवल पर रख सकते हो। हाँ पर अगर आप इसको ज़्यादा हाई पे कर दोगे मतलब फुल लेवल पर कर दोगे इसकी तो फिर आपका थोड़ा सा लेग देखने को मिल सकता है आपको, तो इसको बिल्कुल भी कुछ मत करना। एंड अभी यहाँ से थोड़ा सा नीचे चला जाता है आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा FOV इफेक्ट। तो यार FOV इफेक्ट तो यार पूरा आपको 100 ही रखना है अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ आपको एकदम प्रो लेवल वाली PvP मिले तो आप इसको एकदम 100 रख सकते हो। बाकी अभी इसको बस इतना आप करने के बाद आपको इसको डन कर देना है। डन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी मतलब लोडिंग स्क्रीन आ जाएगी, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे गेम में आ जाएंगे। बाकी तो यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो FOV कितना ज़्यादा मेरा गिरा हुआ था, इसको मैं FOV को फुल कर देता हूँ जो कि अपना FOV फुल। अभी यार देखो अभी म्यूजिक एंड साउंड्स में हम लोग आ जाते हैं जो इसकी मास्टर वॉल्यूम है, आप लोग यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको साउंड सुनना अच्छा लगता है मतलब इसमें अलग अलग साउंड्स आते रहते हैं बैकग्राउंड में म्यूजिक बजते रहता है तो आप उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। मैंने 50 पे रखा है। बाकी यहाँ पे जो भी जैसा है इसको वैसे ही रहने देंगे बस। या फिर जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स है ना इसमें आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट जो है ना ये आपके ग्राफिक्स को थोड़ा सा बढ़ा देगा और काफ़ी ज़्यादा सही भी लगने वाला है ये आपके माइनक्राफ्ट की थीम के ऊपर। बट हाँ ये मैं आप लोगों को तभी वो करने को बोलूँगा अगर आप लोग एक हाई एंड डिवाइस वाले प्लेयर हो तो, क्योंकि लो एंड डिवाइस में काफ़ी ज़्यादा लेग करेगा अगर आप इसको करते हो। तो हाई कॉन्ट्रास्ट जो है वो कुछ इस तरीके की लुक देता है हमारे माइनक्राफ्ट को जो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, थोड़ी थोड़ी सी नियॉन सी आ जाती है तो वो बहुत सही लगता है। बाकी अगर आप लोग किसी भी मल्टीप्लेयर सर्वर में खेलते हो आप लोग चाहते हो कि आपकी जो चैट है वो जल्दी जल्दी ऐसे आ जाती है ना लाइक मतलब जैसे ही किसी ने देखा वैसे ही, और आप लोगों के सर्वर में जैसे 100-200 बंदे हैं यार वो लोग चैट करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी चैट आ जाती है, तो आप लोग चाहते हो कि भाई थोड़ा सा डिले मिल जाए तो आप यहाँ से डिले कर सकते हो। वैसे तो मुझे डिले की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा कोई चैट आती नहीं और ना ही मैं किसी को रिप्लाई देने के लिए वो रहता हूँ यार, तो इसको मैं वैसे ही रखने वाला हूँ ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे जो 100 सबटाइटल्स आपको सबटाइटल्स मतलब कुछ भी अगर चीज़ देखी जाएगी तो आपको नीचे सबटाइटल्स मिल जाएंगे। ऑटो जंप अगर आप लोग चाहते हो कि ऑटो जंप आपको मिल जाए मतलब कि आपको बार बार ही जंप वाली बटन ना दबानी पड़े तो आप यहाँ पे ऑटो जंप कर सकते हो। मैंने तो ऑफ रखी क्योंकि यार जंप वाली बटन दबाने का अच्छा खासा टाइम पास भी हो जाता है। बाकी यहाँ पे जो है यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी जो कि ग्लिंट स्पीड। अब यार ये क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसा कि आप किसी भी आर्मर या किसी भी चीज़ को एन्चांट करते हो तो उसके ऊपर जो एन्चांटमेंट वाली जो चलती रहती है ना थीम, वो थीम की मतलब ये स्पीड है मतलब कि वो कितनी स्पीड से एन्चांटमेंट दिखाएगा।
देखो अभी आप लोग अगर इसको एकदम जीरो पे मतलब एकदम इसको ख़त्म पे रख दोगे तो फिर यार वो जो स्पीड है वो एकदम एकदम स्लो सी हो जाएगी। एंड अगर आप लोग इसको 100 पे रख दोगे तो बिना अटके एकदम स्पीड में चलती रहेगी रुकेगी भी नहीं। हाँ तो यार मैं इसको 51 पे रखने वाला हूँ। वैसे यार जो 100 रहती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है देखने पर, बट यार 51 पे ज़्यादा सही रहता है। बाकी जो ग्रीन स्ट्रेंथ आप इसी के जो साइड में देख सकते हो ये 75%, अगर आप इसको एकदम कम कर दोगे तो आपका जो टूल्स और आर्मर है वहाँ पे जो आपका एन्चेंटिंग का जो इफेक्ट दिखता है ना वो एन्चेंटिंग का इफेक्ट ही पूरा ही खत्म कर देगी अगर आप इसको जीरो पर रखते हो। तो मैं इसको 100 पर रखूँगा क्योंकि मैं एकदम ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि हाँ यार मेरे आर्मर से एन्चेंटेड है, ताकि सब बंदों को समझ में आए कि हाँ यार ये एन्चेंटेड है। ठीक है अभी यहाँ पे देखो आप लोगों को एक देखने को मिल जाएगा एफओ इफेक्ट, आप लोगों को इसको एकदम फुल रखना जैसा कि मैंने बोला। बाकी नोटिफिकेशन टाइम जो है वो 1.0x पे ही रखना है, मतलब जैसा भी जो भी है उसको वैसे ही रख देना है। एंड यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन और देखने को मिल रहे होंगे, स्नीक मतलब दौड़ने के लिए सॉरी स्नीक मतलब आप लोग अगर क्राउच करने के लिए आप बस एक बार बटन दबाओ आप बैठ जाओगे। अगर आप लोग कुछ ऐसा चाहते हो तो आप इसको होल्ड पे कर सकते हो, और अगर आप लोग चाहते हो बस एक ही बार दबाने पे हम लोग बैठ जाए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा टॉगल। तो यार मैं यहाँ पे होल्ड रखूँगा, आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करता हूँ क्योंकि यार यहाँ पे जो होल्ड है ना वो ज़्यादा सही है। बाकी यहाँ पे एक स्प्रिंट है, मतलब आप लोग को दौड़ने के लिए इसको स्प्रिंट वाली बटन को होल्ड करना होगा। बाकी अगर आप लोग इसको होल्ड पे रखोगे तो मतलब समझ रहे हो ना, होल्ड करके रखना पड़ेगा। एंड टॉगल जो इससे क्या होगा, आपको उसे एक बार ही दबाना पड़ेगा दौड़ने वाली बटन पे, एंड आप होके दौड़ने लग जाओगे। तो आप लोग इसको अपने हिसाब से रख सकते हो, बट हाँ मुझे ये भी ऑटोमेटिकली मतलब खुद से करना अच्छा लगता है तो मैं इसको वही रखूँगा। एंड बाकी अगर आपके पास यहाँ पे कुछ रिसोर्स पैक है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। हाँ मेरे पास कुछ रिसोर्स पैक नहीं है। एंड बाय द वे गाइस, वीडियो से और भी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके जितने बंदे चैनल पे ये बात उन लोगों के लिए। एंड अभी देखो इसके बाद में आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊं, ताकि मतलब जिसमें मैं आप लोगों को ऑफ डिफाइन डाउनलोड करके बताऊंगा, तो आप वो वाले के लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिर आप लोग जो भी चाहते हो कि यार पूजा वाला अंचर में ये कैसे करे वो कैसे करे, तो मैं उसके लिए आप लोगों को एक फुल्ली गाइड बना के दे दूंगा उसकी भी, जैसे इस वाली गेम प्ले पे आइए। तो फटाफट से आके इस वीडियो को लाइक कर दो, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। अभी यहाँ पे आप लोग आपका वर्ल्ड बना सकते हो, नॉर्मली आप लोग जो नेम रखना चाहो वो रख सकते हो। अभी देखो यार यहाँ पे ना आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ होगा कि आप लोग जैसे ही नाम डालने जाओगे ना तो वहाँ पे आप लोगों को एक कीबोर्ड वाली ऑप्शन मिलेगी, आपको इसके ऊपर मतलब क्लिक करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग जाओगे मतलब जैसे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में होता था, आप जाते थे क्लिक करते थे आपका कीबोर्ड ऑटोमेटिकली खुल जाता था, तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी आपको सब कुछ देख कर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कीबोर्ड मतलब सारी सेटिंग्स आप लोगों को पहले से समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। बाकी यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप इस माउस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक कर्सर आ जाएगा जो कि ऐसे कुछ चल सकता है, एंड ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। बाकी तो यार मुझे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं तो मैं इसको बंद कर दूंगा। बाकी यार यहाँ पे टेप अगर आप दबाओगे तो टेप से अगर आप किसी मल्टीप्लेयर सर्वर में खेल रहे हो तो आपको टेप दबाने से वो सब दिखेगा, मतलब प्लेयर्स दिखेंगे आपको कि कौन कौन प्लेयर्स वहाँ पे, सारे के सारे नाम से आपको ऊपर शो करने लग जाएगा। बाकी अगर आप लोग चैट ओपन करना चाहते हो तो आप इस चैट वाले बटन पर दबा के चैट ओपन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक डीबग भी, डीबग आपका क्या काम करेगा, जैसे आपको एक डीबग जो है ना वो आपको कोऑर्डिनेट दिखाएगा, और जो थर्ड आप लोग यहाँ पे देखने को आप लोगों को एक मिल सकता है वो जो थर्ड है, ये थर्ड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये थर्ड किस काम में आएगा, ये थर्ड इसलिए काम में आएगा ताकि आप लोग अपने थर्ड पर्सन मोड में भी खेल के चला सको। बाकी हाँ यहाँ पे अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ आप अपनी इन्वेंटरी कैसे खोलोगे, उसको मैं आप लोगों को गेम में चल के बता देता हूँ। बस एक बार इसको फटाफट से लोड होने दो।
आप लोग इस तरीके से इसकी स्क्रीन पे आ जाओगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने उस वाले। अभी आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं मल्टीप्लेयर में। इससे सर मेरे पास में यहाँ पे कुछ खेलने के लिए मल्टीप्लेयर में सर्वर है नहीं, वरना तो आप लोगों को बता देता, बट हाँ यहाँ पे फिर भी मेरा एक सर्वर आ चुका है जो कि आप लोग देख सकते हो मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, जिसका नाम है द डीमंस। तो अभी हम लोग इसमें चल देते हैं इंडिया में। आप लोगों को इसका फुल्ली यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि सर्वर में अगर आप किसी सर्वर को ज्वाइन करते हो तो किस तरीके से होने वाला है। तो कहीं सर ये देखो आप लोग यहाँ पे सर्वर में आ चुका, यहाँ पे मैं सर्वर में आ चुका हूँ और मेरा लेग भी कर रहा है भाई, हल्का हल्का सा लेग भी कर रहा है यहाँ पे। तो इस लेग को भी ठीक करने के बारे में जल्दी वीडियो बताऊँगा भाई, मैं कितनी बार एक ही बात को बोल रहा हूँ, सॉरी यार मैं आप लोगों को बोर ना कर दूँ भाई। कहीं सर मैं सबसे पहले इसको ना मैं थोड़ा सा मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ या तो फिर रहने ही देते इसको। एक काम करते हैं फटाफट से चैट में अपना पासवर्ड वासवर्ड सब डाल देता हूँ, बट अगर मैं आप लोगों को डालूंगा तो आप लोगों को बस मालूम ना पड़ जाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ, अपना मैं पासवर्ड वगैरह सब डाल देता हूँ मैं यहाँ पे एंड ओके। तो यार यहाँ पे आप लोग जैसे इसको डालोगे तो ये हो जाएगा आपका चालू, मतलब पासवर्ड। मेरे सर्वर में मैंने पासवर्ड वाला प्लगइन लगा के रखा है तो इस वजह से यहाँ पे पासवर्ड वासवर्ड आ रहे हैं। बाकी सर हाँ आप लोग देखोगे ना तो ये वाला जो मेरा है ये मेरी उससे कनेक्टेड है, मतलब ये मेरे पीसी वाली आईडी से कनेक्टेड है। आप लोग देख सकते हो मतलब एक ही बात है वो, या तो आप उसमें हो मतलब कि आप पीसी में हो या फिर कहीं में भी हो, आपका मतलब एक ही चलने वाला है। आप इन दोनों को साथ में रख सकते हो। तो कहीं सर आज की इस वाली मतलब आज की इस वाली गाइड में तो इतना ही। अगर बाकी आप लोगों के दिमाग में मतलब आप लोग कुछ और भी इस तरीके की और भी कुछ वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अभी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।